क्यों फोन की बुकिंग बंद? जी हाँ फ्रेंड्स, जो बुकिंग 24 अगस्त को 5:30 बजे स्टार्ट हुई थी वो 25 अगस्त को सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही क्लोज कर दी गई। फ्रेंड्स, उसमें ऐसा क्या हुआ और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जियो फोन जिन्होंने बुक किया है उनको मैसेज नहीं मिला है, उनको स्टेटस नहीं पता है कि कैसे पता करें कि उनको मोबाइल कब डिलीवर होगा और कब नहीं होगा। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, देखते रहिए टेक एंड सी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखिए रिलायंस जियो की ये साइट है जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू इंडिया, मिलियंस हैव प्री बुक्ड द जियो फोन। फ्रेंड्स, मिलियंस ऑफ यूजर ने मोबाइल फ़ोन बुक कर दिया है और उनको सितंबर के फर्स्ट वीक में मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जो लोग इसमें बुकिंग में हिस्सा नहीं ले पाए हैं वो लोग अभी भी मौका है, वो ऑफलाइन स्टोर पर जाकर सिर्फ 500 रुपये दे के मोबाइल बुक कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा। क्योंकि रिलायंस जियो ने फर्स्ट वीक के अंदर 5 मिलियन मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर बुक करने का टारगेट लिया था, जो 4 मिलियन मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन बुक हो चुके हैं। अभी 1 मिलियन मोबाइल फ़ोन बचे हुए हैं जो ऑफलाइन स्टोर्स के लिए है, वो लोग ऑफलाइन स्टोर से बुक करेंगे तो वहाँ पर आपको मौका मिल सकता है। और साथ में मैं बता दूँ, इन्होंने इस फर्स्ट फेज के अंदर बुकिंग की है, उसके लिए आपको स्टेटस कैसे जानना है, इसके लिए 1800-8900-8900 ये मोबाइल नंबर आपको डायल करना है। ये जिए कस्टमर केयर का नंबर है, यहाँ से आपको आपके फ़ोन की पूरी डिटेल मिलेगी। साथ में एक मैसेज आएगा जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि आपका पिन कोड नंबर ये है और इस स्टोर पर आपका मोबाइल आ गया है, और आप वहां जाकर 1000 रुपीज़ देकर वो फ़ोन ले सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो लोग अगले फेज में बुकिंग करना चाहते हैं वो लोग यहां पे देखिए रजिस्टर नाउ लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पे आपको अपनी डिटेल और पिन कोड नंबर डाल देना है। जैसे ही सेकेंड फेज की बुकिंग स्टार्ट होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी इतना ही,